नमस्कार, मैं स्नेह शर्मा, स्वागत है आपका चुनाव टीवी में। ताई नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज जिला डोडा के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 के अनुरूप में संयुक्त अरब अमीरात के दो समर्पित एम्बेसडर्स ने एजुकेट को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन शुरू किया, जो भारत के डोडा जिले के शहर में एक युवा सशक्तिकरण अभियान है। अक्सर लेक्चर देती रही हैं। इनका मोटो है कि एजुकेशन के जरिए पीस और हार्मनी को प्रमोट किया जाए। हमारे लिए ये ऑनर है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं जो ग्लोबल एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ निर्भया अवार्ड विनर भी हैं, चाणक्य अवार्ड विनर भी हैं, और अगर इनकी सिफात गिनाने बैठ जाएँ तो पूरा दिन निकल जाएगा। मैं बहुत दिल की गहराइयों से एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी तरफ से, अपने स्टाफ मेंबर की तरफ से। और टू इंडिया एंड इंडिया टू दैट टू स्पेशली इन डिस्ट्रिक्ट डोडा, एक बार मैं आप बच्चों से चाहूँगा कि ये जो बच्ची बैठी है जिसका मैंने अभी नाम लिया राशिका राठौर, आप सुन के खुश हो जाओगे और फखर से फील प्राउड। ये बच्ची भी डोडा डिस्ट्रिक्ट की है, शी इज फ्रॉम गुंदना परशोला। आप बच्चियां अपने घरों में, अपने शहर में अपने आप को समझते हैं कि नहीं, हम रोज एक अपने उन ख्यालात को जो विद इन द डोडा डिस्ट्रिक्ट जो यहाँ पर लिमिटेड है, उनसे उठ के थोड़ा सा आपने कुछ अच्छा सा करना है। क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, इनके ख्याल सुनेंगे, इनके थॉट सुनेंगे, ये क्या डिलीवर करना चाहते हैं। ओके, ही स्टार्ट गेटिंग प्रमोशंस एंड बिकॉज़ ऑफ दैट ही बिकेम द सीईओ ऑफ सेंचुरी फाइनेंशियल, और नाउ एंड आफ्टर तो नाउ ही इज मैरिड विद चिल्ड्रन, मैं और मेरे भाई, और उसके साथ दीज आर जस्ट सम पिक्चर्स। मुझे पता आप लोग देख नहीं सकते हो, बट मैं बस डिस्क्राइब करूँगी। ये है इंडिया का डिप्लोमैट जो यूएई में अभी रहता है, ये टूरिज्म और उसका इंडिया के रिलेशन संभालता है। सो ये जस्ट अ पिक्चर ऑफ देम। और फाइनेंस के बाद वो डोडा को बहुत याद करने लगे, क्योंकि बचपन से पापा ने डोडा दुबई में टाइम स्पेंड किया था, तो उनको याद आ रही थी डोडा और जम्मू की, तो इसलिए जम्मू आए और उन्होंने स्टार्ट किया एक नया ह्यूज कैंपेन जो है फ्रेंडशिप बिटवीन यूएई एंड इंडिया। तो ये ना, यू गाइस नो हिम, आई डोंट नो इफ यू कैन सी द पिक्चर, बट ही इज प्रेसिडेंट मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, एंड यू गाइस नो दैट वो He worked in a tea stall in Gujarat, और अभी वो Prime Minister है। Basically बहुत सारे failures है, और इनमें क्या common है आपको पता है, इन सारे लोगों में क्या common है? Okay, they cause disruption in the community, in the life, मतलब जो भी उन्होंने concept निकाला था या जो भी उन्होंने कोई product निकाला था community में, उसने पूरा डिस्करप्शन कॉज कर लिया, मतलब पूरा बदल गया जैसे लोग सोचते थे, जैसे लोग काम करते थे, तो दे कॉज डिस्करप्शन। बच्चों को एक थोड़ा सा एक ऐसी इंस्पिरेशन मिली इनके थ्रू, क्योंकि ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बहुत से अवार्ड्स इनके नाम पर हैं, निर्भया अवार्ड इन्होंने ले लिया है, बेंगलोर यूनिवर्सिटी से ये वाबस्ता हैं, वहाँ पर ये अपनी पीएचडी कर रही हैं। नेचुरली इतनी दूर से आके हमारे इस रिमोट डिस्ट्रिक्ट को अगर इन्होंने ऑफ़र किया, एक किस्म का मैं कहूँगा कि जिस तरह हम कहते हैं गोद लिया है इसको, तो इन बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार कर दिया कि दे कैन गेट एनी चांस टू बी विद ए पार्ट ऑफ विद दीज पीपल। तो I am feeling very grateful to have this chance to welcome them on this very land. नहीं, पहली फुर्सत में
उन बच्चों के साथ इनका कैसा रहता है, इनको कैसे वो अपलिफ्ट करते हैं, इनके साथ कैसा वो कनेक्शन जुड़ता है, उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ ये देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों ने कुछ ने अपने चॉइसेस बताई थी कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये बनना चाहती हूँ, उनको भी एक प्लेटफार्म मिल रहा है। मैडम ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि आपको हम बड़ी हाई लेवल पर आपको आपके प्रोफाइल जो है वो पहुँचा देंगे। नेचुरली अगर बच्चों को चांस मिलता है तो उनको देख के दूसरों में नेचुरली एक क्यूरियोसिटी तैयार होगी कि हम भी कुछ करें। तो एक जॉइंट सेशन जो हुआ, सभी बच्चों ने अटेंड किया, टीचर्स थे, लेक्चरर्स थे, सारे यहाँ पर बैठे थे, तो नेचुरली एक वो नई चीज़ तैयार हो गई हमारे बीच में कि नहीं, हमें कुछ करके फिर जाकर ही अपनी सक्सेस जो है वो हो सकती है। My name is Samira Fernandez. I'm a global educationist. I'm also the director of corporate affairs of Century Financial in Dubai currently. I'm here because I have a deep experience of over 20 years in the corporate sector with companies such as Al Ghurair Investments in UAE, Jet Airways, Sun Microsystems, Nokia, also a writer for Gulf News and the Times of India. I'm also an educationist. I was the former director of a degree college in Bangalore and also currently pursuing my PhD. I have released two books by the Deputy Chief Minister of Karnataka in the education sector. I think one of the biggest challenge in India is the industry institute divide. I see that there is a very big gap between what the industry wants and what the education sector is currently providing. And our aim is to see that there is more communication at the initial stages. We don't need to wait for students to complete and graduate. Right from the early higher secondary school, we would like to connect them through differential internships. A differential internship is where a student can go and explore different career options. If I was a student, I want to see how it is to be a lawyer, a doctor, an engineer, an accountant, a space scientist. And then when I graduate, I want to decide and say, this course is not for me. This is what I like to do. And with an explosion of careers right now, data scientists, artificial intelligence, electric vehicles, automation, it is our duty as educationists and responsible corporate citizens to expose our children and say, this is a bigger world out there. Go and explore. Try everything because you are students. And once you know what you want to do in life, then go and choose and be very passionate about what you do. Don't force yourself. यूपीएस कुंडली अंचल किश्तवाड़ में चिकित्सा सह जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी किश्तवाड़ डॉक्टर सतलाल मनहास के मार्गदर्शन एवं देखरेख में जहां स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के टीम द्वारा बच्चों की जांच की गई। समाज कल्याण विभाग ने जिला प्रशासन रामबन के सहयोग से आज सामुदायिक भवन मेत्रा रामबन में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया। इस अवसर पर डीसी रामबन मुसरत इस्लाम मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर बोलते हुए डीसी ने युवाओं और बच्चों को उनके माता पिता, दादा दादी और वृद्ध लोगों की देखभाल की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। अगर आप देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन के पेशेंट आपको बिल्कुल ये सबकी जिंदगी में, आज की जो बहू है वो कल की सास है, ठीक है ना, आज का बाप कल का दादा है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सीनियर सिटीजन नहीं है, आप हमारी सोसाइटी के रिस्पेक्टेड एल्डर्स हैं, बड़े हैं, और मैं आज भी अपने बुजुर्गों के पास बैठता हूँ, बहुत वक्त गुजारता हूँ उनके साथ। अब अनफॉर्चुनेटली जो मेरी पोस्टिंग है और जहाँ मैं हूँ यहाँ मुझे उतना मौका नहीं मिलता, लेकिन जब भी मैं अपने होम टाउन बदलवा जाता हूँ या
में होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बड़ों के साथ बैठूं, वक्त काटूं। यकीन मानिए जब भी आप वक्त काटेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जो लोग काफी बुजुर्ग हैं उनके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी कुछ तल्ख हकीकतें भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जहां पर बच्चों ने अपने बुजुर्गों को घर से निकाल दिया। इसीलिए जैसा कि आपको पता है कि हर साल 21 अगस्त को हम इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन को मनाने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लोगों को सीनियर सिटीजन्स, उनकी राइट्स, उनकी हेल्थ, बोथ फिजिकल मेंटल हेल्थ, उनके बारे में लोगों को सेंसिटाइज करें, ख़ास तौर से उनकी जो इमीडिएट फर्स्ट फैमिलीज होती हैं। आजकल जो हम जिस तेज़ी से हमारा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है, हमारी जो सोशल सेटअप है उसमें तब्दीली आ रही है, मोर एंड मोर न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं, जॉइंट फैमिलीज में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, और कहीं ना कहीं हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ में एक अधूरापन, एक खिला, एक वैक्यूम जैसा क्रिएट हो रहा है। तो फोकस हमारा ऐसे दिनों पे यही होता है कि हम उन्हें सेंसिटाइज करें कि वो अपनी ज़िंदगी जो है उसे ज़्यादा खुशहाल कैसे रखें, खुश रहें, और उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको सेंसिटाइज और अवेयर करने के लिए आज हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट रामबन में एक अच्छे फंक्शन का कम्युनिटी हॉल रामबन में अहतमाम किया, जिसमें दूर दूर से आए हुए काफ़ी हमारे सीनियर सिटीजन से जो कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट के साथ एफिलिएटेड हैं वो आए, और हमने उन्हें काफ़ी अच्छी हेल्थ टिप्स दी। उसके अलावा जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ आयुष है उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सप्लीमेंट्स भी उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए, और उन्हें एंटरटेन करने के लिए हमने कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स का भी इनेकार किया। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने उन्हें योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, जो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल स्ट्रेंथ में इजाफा करेगा, उसके लिए हमारे डॉक्टर मसूद साहब ने बहुत अच्छी लाइव डेमोज दी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो इनकी सीनियर सिटीजन्स की फर्स्ट फैमिलीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बुजुर्गों के साथ गुजारेंगे और उनकी रिच एक्सपीरियंस से गेन करेंगे। हर चीज़ जो है आपको गूगल से नहीं मिलती, जो तजर्बा है दैट इज़ इररिप्लेसेबल। तो उसके लिए कहीं ना कहीं मेरी यूथ से भी गुजारिश है कि वो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का, अपनी अपने दिन का जितने भी कुछ घंटे होते हैं उसमें से कुछ वक्त जो है अपने सीनियर सिटीजन्स के साथ ही गुजारें। डोडा के दूरदराज क्षेत्र गलाधार टॉप ऊंची पहाड़ी चोटी पर आज धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। धार्मिक कार्यक्रम में लगभग 3000 से ज्यादा लोग कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इसी दौरान कार्यक्रम में इंडियन आर्मी TNRR की तरफ से लोगों का चेकअप करके मुफ्त में दवाई बांटी गई। आर्मी की तरफ से जो है कैंप लगाया गया है, इसमें लोग जो है वो फ्री दवाई ले रहे हैं, इसमें गाय, भेड़ और इंसान की दवाई भी है। जिसमें ये कैंप लगाया जा रहा है ये फ्री कैंप है, इसमें हर एक किस्म की दवाई मिलेगी आप लोगों को। तो इसलिए हम शुक्रिया करते हैं आर्मी की तरफ से कि इन्होंने जो हमारी इस पहाड़ी एरिया में आकर दवाई दी, और हर चीज़ की जो दवाई है वो इनके पास अवेलेबल है। आर्मी की तरफ से जो ये क्या बोल रहे हैं, दवाई वगैरह फ्री में दे रहे हैं, माल मवेशी के लिए भी और इंसानों के लिए भी है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इज्तम भी रखा गया है। तो इस सिलसिले में आए सारे इज्तम में भी आए हैं, तहे दिल से इनको मुबारकबाद देना चाहते हैं क्योंकि हमारे कलादार में यहाँ पे दूर से लेकर यहाँ पे आने वाले, और यहाँ पे हर रिलेटेड के दवाई इन्होंने लाए हैं, मेडिकल मतलब किसी को भी प्रॉब्लम है केयर वगैरह सब सिस्टम इन्होंने रखा है। तो ये देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है, पीछे से नीचे इज्तमा भी है लेकिन इधर इतनी भीड़ पड़ी है। तो हम इनको मतलब तहे दिल से मुबारक देना चाहते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ इंडियन आर्मी का, यहाँ पे जो ये इस
हार्ड टू रीच एरिया में इनने एक मेडिकल कैंप आयोजित किया है और जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक गैदरिंग भी है और कोई धार्मिक इज्तम वगैरह भी यहाँ पे चल रहा है और बहुत लोग हैं और सब आराम से मतलब चल रहा है। तो इस एरिया में एक इनिशिएटिव इन्हें लिया है इंडियन आर्मी ने कि यहाँ पे एक पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए एक हम मेडिसिन का जनरल हेल्थ चेकअप का एक कैंप रखें। उसी लिए हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर को एक लेटर आई हुई है और उनके शॉर्ट नोटिस पे ही हमने शाम को ये मैसेज दिया और आज सुबह हम यहाँ पहुँच गए इस कैंप को ज्वाइन करने के लिए। के दिन यहाँ पर गुरमुल से हम आए हैं, गुरमुल टीओबी से, और गलादार तोप में इन्होंने यहाँ के लोकलाइज ने एक इवेंट इस्तेमाल यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा जहाँ पर लोकल से काफ़ी सारे लोग आए तो उनके सहूलियत के लिए जो यहाँ पर जो फर रिच में लोग हैं जिनके पास मेडिकल बेनिफिट्स इतने अवेलेबल नहीं है उनके लिए हमने यहाँ पर दो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करवाया, एक तो वेट कैंप और दूसरा इंसानी वाला उनके लिए मेडिकल कैंप। और उसके लिए हमने अपने बटालियन से अपने आर एम ओ साहब को यहाँ बुलवाया है और उसके बाद हमने मेडिकल डिपार्टमेंट से हेल्थ डिपार्टमेंट से दो उनके स्टाफ को उनके दो डॉक्टर्स को भी यहाँ पर हमने इनवाइट कराया है जो कि मैं उनका काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने दूर से चल कर आए हैं इस इवेंट में हमारे साथ शरीक होने के लिए टू हेल्प अस आउट। तो ये अच्छी चीज़ है और बाकी यहाँ पर जो इस्तेमाल में जितने सिविलियंस आज गैदर हुए हैं ये यहाँ के सारे लोकलाइज हैं तो उनके लिए कई लोगों के लिए जो ऊपर में ग्वारीज में हैं उनके लिए हेल्थ बेनिफिट्स और ये मेडिसिन लेने के लिए जो अप डाउन करते हैं उनके लिए किसी दौरे से भी एटलीस्ट कुछ हद तक हम अपने तरफ से मेडिसिन या चेकअप कराकर उनके लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव और हम चाहते हैं कि जो पब्लिक जो लोग यहाँ आए हैं आज इस इनिशिएटिव को पॉजिटिवली लें और यहाँ पर जितने भी लोग आज गैदर हुए हैं इस्तेमा के लिए यहाँ से कुछ अच्छी बातें ही सीख कर जाएँ और इंडियन आर्मी रिस्पेक्ट बढ़ते बढ़े और हम आगे भी यही करना चाहेंगे लोगों के लिए पब्लिक के लिए। अपना काम यही है प्रोटेक्शन देना और उनके लिए अच्छे चीज़ें करना और वंस अगेन मैं अपने आर्म सर को और अपने जो हेल्थ डिपार्टमेंट से दो जो जेंटलमैन आए उनको मैं वंस अगेन थैंक यू कहना चाहूँगा और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा है यहाँ कराने का उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिला रामबन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर रेणुका कटोच ने पंचायत मैत्रा ए में खेल मैदान का निर्माण कार्य शुरू किया। इस अवसर पर रेणुका कटोच ने बताया कि 2022-23 के कैपेक्स बजट के तहत 129.18 लाख रुपए की अनुमानित लागत की खेल मैदान परियोजना को मंजूरी दी गई है। PRI और स्थानीय लोगों ने परियोजना के निष्पादन कार्य को शुरू करने में उनके प्रयासों के लिए DDC रामबन की सराहना की। तो देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। हमारी मैत्रा ए पंचायत है और गांव हमारा फैलती गांव है। ये बड़ी हमारी बहुत टाइम से ये पेंडिंग डिमांड थी और जो उसको आज हमें पूरा किया गया। ये हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम है और इसी के साथ आज इसका हमने उद्घाटन किया और इसका काम स्टार्ट किया। हमारे यहाँ पे रामन में बहुत हमारे इतने यूथ्स हैं जो बेचारे कहीं खेल नहीं पाते क्योंकि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे पास कहीं भी कोई छोटा मोटा प्लेग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आज जो हमने ये प्लेग्राउंड का उद्घाटन किया तो मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में हमारे यूथ्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि यूथ ज़्यादातर नशे की ओर जा रहे हैं उसके लिए उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि वो अपने आप को इसमें बिजी रखें और उनको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं हो। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।